मैंने छोड़ दिया। खाख में छोरो और गांव में ढिंढोरो, हरामी हार गया, मेहनत कस जीत गया। साइबर थाने में अभी तक मेरी FIR दर्ज नहीं हुई है। हमने हमारा चैनल रिकवर कर लिया है। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। हरामी हार गया, मेहनत कस जीत गया। जी हाँ, डेली राजस्थान का ये YouTube चैनल 1,38,000 सब्सक्राइबर और एक ही मिनट में इस चैनल को कोई चुरा ले गया। हरामी था वो, हराम का कमाया खाना चाहता था, लेकिन वो हारा। कैसे हारा देखे इस वीडियो में। अगर आप एक यूट्यूबर है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि साइबर से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है तो भी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। 4 अगस्त 2023 लगभग 3:30 बजे मुझे एक कॉल आता है। मेरे स्टाफ मुझे कहते हैं कि सर, हम अचानक से यूट्यूब से लॉग आउट हो गए हैं, जीमेल आईडी से भी हम लॉग आउट हो गए हैं, जबकि लॉग आउट किया नहीं है, ये ऑटोमेटिक हुआ है। मैंने तुरंत दूसरे सिस्टम पे चेक करने को कहा तो मेरे तीनों पीसी से और एक लैपटॉप से मेरा जीमेल आईडी डेली राजस्थान का लॉग आउट हो चुका था। मैंने तुरंत अपना मोबाइल चेक किया, वहाँ से भी मैं लॉग आउट था। 1,38,000 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल से अचानक जीमेल आईडी लॉग आउट कैसे हो गई? मैंने अपने रिकवरी मेल, मेरे नाम का जो मेल है, उसमें जाके देखा, 4 नोटिफिकेशन थे। उनमें पहला नोटिफिकेशन ये कह रहा था कि जीमेल आईडी डेली राजस्थान की जो है उसकी रिकवरी आईडी को रिमूव किया गया है। उसके बाद में गूगल के पिन को हटा दिया गया। उसके बाद देखा एक मैसेज जो था वो ये बता रहा था कि मेरे मोबाइल को उस जीमेल आईडी से रिमूव किया गया है, साथ ही कंप्यूटर को और तमाम चीज़ों को, मोबाइल नंबर को भी वहां से हटा दिया गया है। ये मेरे लिए चिंता की बात थी कि आखिर ये सब किसने किया। मुझे अचानक से कुछ सूझा नहीं था। हालांकि एक यूट्यूबर के लिए इस तरह की समस्या का समाधान यूट्यूब पर मौजूद होता है। खाख में छोरो और गांव में ढिंढोरो। मैंने फटाफट अपनी समस्या को फेसबुक आईडी पर डाल दिया। सोचा कि सभी दोस्तों को बताया जाए ताकि कहीं से कोई सुझाव आए और मैं कुछ कर पाऊं। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था, कुछ सूझ नहीं रहा था। सूझा तो बस यही कि फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी जाए, और इसका फायदा भी हुआ। मैं यहाँ पर रोक के एक बात कहना चाहता हूँ कि आप में से हम सबके साथ में कोई न कोई ऐसी समस्या आ जाती है। डेली राजस्थान 2012 में बनाया गया था, हालांकि इस पे 2018 के बाद में काम शुरू किया गया, लेकिन इतने सालों की मेहनत को चंद सेकंडों में एक हैकर ने बर्बाद कर दिया। मुझे ऐसा लगता है हमारी अवसाद की बात को, हमारी तकलीफ को अगर हम दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं तो हमें कई रास्ते सूझते हैं और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। जब मैंने फेसबुक पर ये पोस्ट डाली तो मुझे कई दोस्तों ने कहा कि ऐसा आपको नहीं डालना चाहिए, लेकिन मैंने ये बताया तो मुझे पहला कॉल जो आया वो राजस्थान के न्यूज 18 चैनल के रेजिडेंट एडिटर है श्रीपाल सक्तावत जी का कॉल था, और उन्होंने कहा कि लखन, चिंता करने की बात नहीं है और मैं ऐसे शख्स से बात करा रहा हूँ जो आपकी इस समस्या में निजात दिलवाने में आपकी हेल्प करेंगे। उन्होंने मेरी बात भी कराई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्रीपाल सक्तावत जी का कि एक छोटे से गाँव के पत्रकार की, एक छोटे से युवा की समस्या, उस पर ध्यान दिया और तुरंत उन्होंने कॉल भी किया। तो इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि परसराम बंजारा जी मेरे मित्र, उन्होंने बेंगलोर की एक अपनी आईटी फ्रेंड को मेरा नंबर दिया और कहा कि उनका जीमेल को जो है हैक किया गया है, उसे एक्सेस करवाने में, उसे वापस प्राप्त करने में वो मदद करें। तो अब मैं आता हूं अपनी समस्या पर। जीमेल की आईडी हैक हो चुकी थी, डेली राजस्थान यूट्यूब चैनल का सारा एक्सेस जा चुका था। सुझाव आ रहे थे कि साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। लगभग 5-6 जगहों से ऐसे सुझाव आए, लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि 4 तारीख को मेरा प्लान क्या था। 4 अगस्त 2023 को सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक मुझे एक विशेष काम में लगे रहना था। इसी दिन 10:15 बजे उदयपुर से जयपुर के लिए ट्रेन थी, और दूसरे दिन से लेकर
9 अगस्त तक मुझे एक टीम के साथ में राजस्थान के अलग अलग जिलों में काम करना था और प्लान के मुताबिक सारी चीजें चल रही थी, लेकिन 3:30 बजे बाद मेरे हाथ कांपने लगे थे। वो सारे मेरे प्लान थे वो गड़बड़ा उठे थे। मैंने तय किया कि काम को और प्लान को बदलना नहीं है और इसके साथ रहते हुए इस समस्या से निपटना है। मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया, उससे एक एप्लीकेशन लिखवाई और साइन करके उसे रिपोर्ट दे दी कि ये रिपोर्ट वो साइबर थाने में पहुंचा दे। साथ ही कुछ दोस्तों ने बताया कि 1930 जो साइबर क्राइम के नंबर है जहां पर हम रिपोर्ट कर सकते हैं वहां कॉल किया जाए। 4 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक मैंने 1930 नंबर पर कॉल किए और ये दुखदायी बात भी है कि किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं किया। व्यक्ति के साथ कोई समस्या होती है तो वो रास्ते खुद ही तलाशता है। एक रास्ता और तलाशा गया और नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन करने का सोचा। तो तुरंत मेरे भाई ने इस वेबसाइट पर जाकर हमारी शिकायत डाल दी और कुछ ही देर में हमारे पास में ग्रीवेंस नंबर आ गए। ये डालना इसलिए जरूरी था कि हैकर डेली राजस्थान यूट्यूब चैनल का उपयोग करते हुए उस पर कोई भी गलत कंटेंट डाल सकता था या उसका कोई गलत उपयोग कर सकता था। ऐसे में चूंकि उसका मालिकाना हक हमारे पास था तो वो हमारे लिए दुखदायी हो सकता था। ऐसे में ये रिपोर्ट हमने की और ग्रीवेंस की आईडी आने के बाद में थोड़ी राहत मिली। अब क्या करना चाहिए? तो जिन उन सब ने यही कहा कि सबसे पहले साइबर थाने में FIR दर्ज होने के बाद उसकी कॉपी जब उनको दी जाएगी तो वो आगे कुछ इसमें हेल्प कर पाएंगे। तो अब हमारा अगला काम था साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाना। इंटरनेट की दुनिया में हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गांवों में महिलाओं को स्मार्टफोन दे रहे हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना लागू की गई है और इसके तहत राजस्थान की 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन विथ मोबाइल सिम दी जा रही है। अभी तो प्रयास राजस्थान में शुरू हुए हैं पर मुझे लगता है कि देश भर में ये आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से शहरों से लेके गांवों तक में लोगों को जोड़ा जा रहा है, लोग जिस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वहीं फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को साइबर क्राइम से बचाना पुलिस का महत्वपूर्ण काम है। लेकिन ये काम कैसे चल रहा है ये मेरी कहानी से आपको समझ में आएगा। मैंने अपनी रिपोर्ट देके छोटे भाई को साइबर थाना उदयपुर भेजा था, लेकिन वहां पर ये कहकर उस रिपोर्ट को लौटा दिया गया कि जब तक प्रार्थी यहां पर नहीं आएंगे तब तक हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं 10 तारीख को वापस उदयपुर लौटने वाला था और 10 तारीख को ही मैं ये रिपोर्ट दे सकता था। इस बीच में हैकर कुछ भी कर सकता था। मैं 4 तारीख से लेके 9 तारीख तक उदयपुर राजस्थान के अलग अलग जिलों में रहा। इस दौरान कई साथियों से बात भी हुई। राजस्थान के जाने माने इथिकल हैकर राघव जिसे मेरी बात हुई, उन्होंने इथिकल हैकर सौरभ से मेरी बात करवाई। वो कहीं US में गए हुए थे, लेकिन इसी दौरान PHQ राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर के राजेंद्र जी ने भी काफ़ी सहयोग किया और उन्होंने कहा है कि चूँकि ग्रीवेंस जो है वो एक बार दर्ज हो चुकी है, ऐसे में बहुत बड़ी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच राजस्थान भर से और कई साथी जो है वो मेरा मोटिवेशन बढ़ाते गए। राजस्थान के आज तक से जुड़े हुए पत्रकार साथी जयकिशन शर्मा, उदयपुर से जुड़े हुए सतीश शर्मा जैसे कई पत्रकार साथियों ने कॉल करके मेरी हेल्प करने की कोशिश करी और कई इथिकल हैकर और साइबर क्राइम के एक्सपर्ट लोगों से संपर्क करवा के ये सभी कोशिशें कर रहे थे कि कैसी तरीके से डेली राजस्थान यूट्यूब चैनल को वापस प्राप्त किया जाए। लेकिन साइबर क्राइम थाने में मेरी रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई। कुल मिला के 9 तारीख तक राजस्थान के अलग अलग जिलों में घूमने के बाद 10 तारीख की सुबह मैं पहुंचा उदयपुर और 10 बजे मैं था साइबर पुलिस थाने में। वहां पर मैंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट को लेने वाली महिला ने कहा लाइट गई हुई है, रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। मैंने थोड़ी देर वेट किया, लाइट आ गई। मैंने कहा अब तो दर्ज कर लीजिए। वो बोले कि टाइपिंग करने वाले नहीं हैं। मैंने कहा मैं टाइपिंग कर लेता हूं, पर वो बोले कि चिंता मत करिए, आप घर जाइए, 2 घंटे बाद आपके मोबाइल में मैसेज आएगा और उसमें आपके FIR की का नंबर जो है आपको मिल जाएगा। मैं उनके कही हुई बात पर विश्वास करके घर आ गया और लगातार 3 दिन तक मैं इंतज़ार करता रहा कि मेरी FIR दर्ज हो जाए। मैं बार बार अपने मोबाइल में मैसेज चेक कर रहा था कि मुझे एक मैसेज मिल जाए और उसमें मेरी FIR का नंबर हो।
इस बीच मैंने YouTube पर जाके देखा, एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने इस समस्या के समाधान YouTube पर क्यों नहीं खोजा। अब मैंने YouTube पर खोजना शुरू किया। YouTube पर मुझे एक वीडियो मिला जिसमें तीन स्टेप बताए गए थे। पहला स्टेप कि एक ट्वीट किया जाए अपनी आईडी से और उसमें लिखा जाए कि हमारा ये जीमेल था, ये यूट्यूब चैनल था जो हैक हो गया है और इसे वापस रिकवर करने में हेल्प की जाए और इसे टैग करना था यूट्यूब इंडिया को, यूट्यूब को, यूट्यूब क्रिएटर को, जीमेल को और गूगल को। और ऐसा मैंने किया, कई लोगों ने उसे रिट्वीट भी किया लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया और यूट्यूब की वहाँ से या गूगल की किसी टीम ने मुझसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया। ट्वीट करने के बाद में रिकवरी मेल से गूगल को एक मेल करना था, वो भी मैंने किया लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तीसरा स्टेप था यूट्यूब पर एक फॉर्म भरना, जो कोई थर्ड पार्टी यूट्यूबर उसको भर सकते थे और उसमें वो ये बता सकते थे कि ये चैनल इस आईडी से बना हुआ था, ये रिकवरी आईडी थी इस व्यक्ति का था और ये जेन्युइन है, इसे रिकवर कराने में हेल्प की जाए। वो एक लंबा चौड़ा फॉर्म होता है जिसे आप इस यूट्यूब पर जाकर, इस लिंक पर जाकर ये यूट्यूब देख सकते हैं कि कैसे एक यूट्यूब चैनल को वापस प्राप्त किया जाए। तो मैंने अपने कई साथियों को इस तरह का रिक्वेस्ट किया, उनको भेजा, मेल भी किए, व्हाट्सएप भी किए कि वो इस फॉर्म को मेरे लिए भर दे, तो कोई भी यूट्यूबर साथी मेरा मदद नहीं कर पाया। इसके बाद मैं अपने और कामों में, लिखने पढ़ने के कामों में व्यस्त हो गया और मैंने छोड़ दिया और मैंने ये तय कर लिया कि मुझे 4 नए यूट्यूब चैनल बनाने हैं। मैंने चैनल के नाम सोच लिए, चैनल पर कंटेंट कैसा होगा ये सोच लिया और मैंने भुला दिया कि चला गया डेली राजस्थान, अब वापस नहीं आएगा और मुझे अभी उससे वापस पाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मुझे अब अपनी लकीर को बड़ा करना चाहिए और 4 चैनल के नाम मैंने सोच लिए और मैं शुरू भी करूंगा, आपको बताऊंगा जल्दी। तो ये एक तरीके का मोटिवेशन यहाँ से मिल गया कि चलो ये खो गया, अब हम कुछ नया बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे, इस दिशा में मैंने काम करना सोच लिया। इसी बीच 13 अगस्त की शाम को एक वीडियो मुझे मिलता है, उस वीडियो से मुझे पता नहीं क्यों उस पे जो चेहरा था उस चेहरे पे विश्वास हो गया कि ये मेरा चैनल वापस दिलवा सकता है। हालांकि कोई भी यूट्यूबर अपने यूट्यूब पर मोबाइल नंबर नहीं छोड़ता है, उस बंदे ने अपना मोबाइल नंबर छोड़ रखा था, इससे थोड़ी शंका थी कि ये मुझे और ठग सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार बात करने में क्या हर्ज है, बात तो करनी चाहिए। मैंने जैसे ही उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा उस नंबर पे और मुझे तुरंत एक रिप्लाई आया, तो मुझे और शंका हो गई कि निश्चित तौर पर ये व्यक्ति ठग है, क्योंकि इतना जल्दी तो दोस्त भी रिप्लाई नहीं करते हैं, इतना जल्दी उधर से रिप्लाई आ गया था। खैर मैंने उनको अपनी समस्या बताई, थोड़ी देर में उनका कॉल आ गया और ये पहले कॉल पे हमारी 2.5 घंटे तक बात हुई और 2.5 घंटे में हमने एक दूसरे को इतना जान लिया कि मुझे उस पर पूरा विश्वास हो गया। ये बंदा था उत्तर प्रदेश के वाराणसी का, नाम है शिवम सिंह राजपूत और मेरी कहानी सुनने के बाद, मेरी मेहनत को जानने के बाद उस व्यक्ति ने मदद करने की ठान ली और उसी रात हम 2:30 बजे तक रात में फोन पे जुड़े रहे और वो सूचनाएं मुझसे मांगते रहे, मैं उनको सूचनाएं प्रोवाइड करवाता रहा। उन्होंने कहा कि वो हर हाल में 24 घंटे के भीतर इस चैनल को वापस दिलाएंगे। दोस्तों मेरे में तो जान आ गई थी लेकिन कहीं कहीं हौसला गिरा हुआ भी था, क्योंकि शिवम का तो मैंने खाली एक वीडियो देखा था, मैंने उसका काम नहीं देखा था, लेकिन मैंने कई बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट्स से राय ले चुका था जो ये कह रहे थे कि जब तक गूगल नहीं चाहेगा और गूगल से कोई रिप्लाई नहीं आ जाएगी तब तक आपका चैनल रिकवर नहीं हो सकता। साइबर एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि आपको 1 साल वेट करना पड़े, हो सकता है आपको 2 साल वेट करना पड़े और हो सकता है कि आपको जिंदगी भर वेट ही करना पड़े, क्योंकि जब तक गूगल का रिप्लाई नहीं आ जाएगा तब तक इस चैनल को रिकवर करना मुश्किल है। और ये बात कोई छोटे मोटे साइबर एक्सपर्ट नहीं कह रहे थे, बहुत बड़े बड़े साइबर एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे थे। दिक्कत ये थी, कोशिश सब लोगों ने की चैनल को रिकवर करने की लेकिन हैकर भी कोई कम आदमी नहीं था, वो लेवल पार था। और उसने क्या किया, उसने हैक करने के बाद में एक सिक्योरिटी की बना ली थी और उस की को एक ड्राइव में ले लिया था, पेन ड्राइव जैसी चीज में ले लिया था, वो 8 अंक का पिन था। जब तक वो किसी भी सिस्टम पर उसका वापस ड्राइव को यूज नहीं करता तब तक उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल था, उसे तोड़ पाना मुश्किल था। ऐसे में हमें केवल और केवल गूगल देवता से ही मदद मिल सकती और गूगल देवता की आंखें बंद थी, वो कब खुलेगी
इसका किसी को कोई एहसास नहीं था। ऐसे में मेरे पास शिवम के अलावा और किसी पे विश्वास करने का कोई चारा भी नहीं था। तो मैंने कहा, या तो इतने लूटे हैं और लूटे जाएंगे, या और बड़ी धनराशि ठगे जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा। पर विश्वास पे तो दुनिया टिकी है, विश्वास करना जरूरी था और मैंने विश्वास किया। और शिवम लगातार लगा रहा। 13 तारीख की रात में काम किया गया, 14 तारीख को भी काम किया, 12 घंटे पूरे हो चुके थे। शिवम ने कहा कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हैकर ने कई चीजें ऐसी कर ली है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इत्मीनान रखिए, डेली राजस्थान आपको जरूर मिलेगा। तो वो जिस तरीके से मेरा हौसला बढ़ा रहे थे, मैं भी उन पे विश्वास करता जा रहा था। और आखिरकार 15 तारीख को सुबह उन्होंने कहा कि आज आपका चैनल आपको मिल जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई। स्वतंत्रता दिवस है आज, जो है हैकर के कब्जे से मेरा चैनल स्वतंत्र हो जाएगा। इस उम्मीद पर मैं पूरे दिन भर वेट करता रहा, लेकिन शाम तक भी मुझे कोई अच्छी खबर नहीं मिली। शुभम ने कहा कि अब एक और यूट्यूब पार्टनर से एक और मेल आया है और वो एक दो चीजें और मांग रहे हैं, आपको वो बतानी होगी। तो मैंने वो भी उनको बताई। तो एक यूट्यूब क्रिएटर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनका चैनल कब बनाया, वो चैनल का साल महीना दिन याद हो तो अच्छा है, जीमेल अकाउंट, किस मोबाइल में लास्ट में वो लॉगिन था, ये भी हमें मालूम रखना चाहिए। गूगल से किसी भी तरह का, यूट्यूब से किसी भी तरह का जो टाइप हुआ, कोई भी बातचीत हुई, तो उसको भी सिक्योर करके अपने पास में रखनी चाहिए, ताकि ऐसा इंसिडेंट कभी होता है तो जब यूट्यूब या गूगल कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है तो वो अपन दे सके। तो मेरे पास ये सारी चीजें थी। यही एक बड़ा कारण है कि चैनल वापस एक्सेस हो पाया। और शिवम पूरी रात 15 अगस्त की रात को भी वो लगे रहे। और फाइनली देखिए, इससे पहले एक बात हुई थी कि 14 तारीख को मेरा चैनल दिखने लग गया था। पहले हैकर ने ऐसा किया था कि चैनल को बिल्कुल बंद कर दिया था, चैनल दिखना बंद हो गया था, कोई भी वीडियो नहीं दिख रहा था। मैंने एक बार ये भी सोचा कि सारे वीडियो को डाउनलोड कर लिया जाए और नया चैनल बना के उसके ऊपर सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाए, लेकिन इतने सालों में बनाए गए 1700 से ज़्यादा अच्छे वीडियो भी थे जो लगभग मेरे हाथ से जा चुके थे। लेकिन 15 अगस्त की रात को फाइनली मेरा जीमेल आईडी मुझे वापस मिल गया, उसका हमने पासवर्ड वगैरह सारा बदल दिया और आज आप डेली राजस्थान पर ये वीडियो देख पाए हैं। तो शिवम से जुड़ने के लिए, शिवम को जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, उनके वीडियो देखें, और किसी भी प्रकार की YouTube से जुड़ी हुई कभी कोई समस्या आती है तो उनसे बात भी कर सकते हैं आप। पर कुल जमा बात यह है कि साइबर थाने में अभी तक मेरी FIR दर्ज नहीं हुई है। इस वीडियो को अगर साइबर थाने के लोग देख रहे हैं, राजस्थान की साइबर पुलिस इसको देख रही है, तो प्लीज़ मेरी रिपोर्ट को फाड़ के डस्टबिन में डाल दीजिए। आप तो अभी तक मेरी FIR भी दर्ज नहीं कर पाए हैं, हमने हमारा चैनल रिकवर कर लिया है।